हेमंत सोरेन के हाथों गुरुवार को 270 से अधिक खिलाड़ियों कोचों को कैश अवार्ड से सम्मानित किया गया। खेलकूद और युवा कार्य निदेशालय की ओर से मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव में आयोजित सम्मान राशि वितरण समारोह में सम्मानित किया गया। इसमें 21 खेलों के 222 प्लेयर्स और 15 खेलों के 52 कोच भी शामिल थे। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे से बात की हमारे संवाददाता धनंजय मंडल ने। साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, उनसे बात करते हैं। इनका सिलेक्शन आगामी इंटरनेशनल खेल के लिए सिलेक्शन हुआ है। मैम, आप लोग शुरू से झारखंड से खेलते आ रहे हैं और इंटरनेशनल खेल का प्रतिनिधित्व भी कर रही है। अभी जो हाल में इंटरनेशनल हॉकी खेल होगा उसमें आपका सिलेक्शन भी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे प्रैक्टिस किया, लोगों को क्या कहना? जैसे अभी हम एशियन गेम से आए हैं तो मतलब हमें इस बार हमें पक्का गोल्ड दिलाना है, क्योंकि हम एशियन गेम में अभी लूज करके हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेके हैं। पर इस बात का दुख है क्योंकि हमें पेरिस ओलंपिक डायरेक्ट क्वालिफाई करना था पर अभी कर नहीं पाए, पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार हम गोल्ड दिलाएंगे। एशियन गेम अभी चाइना में हुआ, वहाँ प्रतिनिधित्व भी किए, थोड़े से चुप रह के ब्राउन मेडल मिला, आगे आप लोगों को गोल्ड मेडल मिले, कैसा प्रैक्टिस करेंगे? अभी जो सिलेक्शन हुआ उसमें काफी तीनों को सिलेक्शन हुआ, झारखंड के तीनों खिलाड़ी को सिलेक्शन हुआ है, कितनी मेहनत करेंगे गोल्ड मेडल जिताने के लिए? क्या मेहनत करेंगे, कैसे लोगों को अपने कोच से प्रोत्साहित करेंगे, किस तरह का प्लानिंग है? हाँ, जैसे बिल्कुल अभी हमें पूरी टीम यहाँ 22 को हमारे कैंप लग रहे हैं तो हम अब पूरी टीम हम अपने 100% देंगे और बिल्कुल हम इस बार गोल्ड का हमारा टारगेट है तो हम यही कोशिश करेंगे, हम पूरी टीम एज अ टीम में हम फाइट करेंगे और गोल्ड दिलाएंगे। पहली बार कई देशों का प्रतिनिधित्व खिलाड़ी करने के लिए आ रहे, जर्मनी हो, तमाम देश है यहाँ पे, पहली बार इस तरह से इंटरनेशनल गेम होना, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार ये मैच हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर पहली बार हो रहा है तो हम कुछ यादें बनाएंगे इसमें, तो यही है कि हमारा इस बार कि हम अपना 100% देंगे। खिलाड़ियों को कितना जोड़ना चाहेंगे? आप भी एक गरीब परिवार से आते हैं, काफी आपने मेहनत किया है, परिस्थितियों लड़ते हुए यहाँ तक पहुँची है, आपके छोटे जो कलीग हैं या जो खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं उन खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं आने वाले बच्चों को यही बोलना चाहती हूँ क्योंकि जो कुछ भी करते हैं आप लोग दिल से कीजिए, जैसे हॉकी या पढ़ाई कुछ भी, अगर स्कूल में जाते हैं तो जो कुछ भी करते हैं वो दिल से करना चाहिए, अगर दिल से नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, तो जो कुछ भी करते हैं वो दिल से करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तमाम जो सलीमा टेटे हमारे साथ खिलाड़ी अभी चाइना में जो हॉकी खेल हो रहा था एशियन गेम, उसमें ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिला, उसमें प्रतिनिधित्व कर रही थी। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो झारखंड का प्रतिनिधित्व करती है और अभी हाल में जो सिलेक्शन हुआ है हॉकी इंटरनेशनल गेम के लिए, उसमें तमाम झारखंड के खिलाड़ी उसमें सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यही कहा कि झारखंड से कोई भी खेल होगा, यानी पूरे देश में कोई भी खेल होगा झारखंड का खिलाड़ी उसमें प्रतिनिधित्व करेगी। यानी आप समझ सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा कितना प्रोत्साहन किया जा रहा है, राशि दिया जा रहा है, तमाम खिलाड़ियों को जोड़ा जा रहा है, कनेक्टेड किया जा रहा है और खिलाड़ियों में काफी जोश भी देखा जा रहा है। अपने सहयोगी संजय पांडे के साथ मैं धनंजय, रांची।